उत्तराखंड राज्य में धामी सरकार हर क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुशीला तिवारी ने मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से आए विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जसपुर के लोगों का इलाज किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा के दिशा निर्देश और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह की देखरेख में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने सफल शिविर का आयोजन किया। शिविर में फिजिशियन, सर्जन, त्वचा रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। वहीं डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि उन डॉक्टरों का शिविर लगाया गया जिन डॉक्टरों की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष जरूरत है। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इस दौरान रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आयुष्मान शिविर में 500 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयां वितरित की, जिसकी मरीजों ने काफी सराहना की। जो कैंप लगा है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे और अच्छी संख्या में लोगों ने अपना आपको दिखलाया है। मैंने भी अपना आपको दिखलाया है क्योंकि मैं भी कुछ बीमारियों से पीड़ित थी, तो जिन डॉक्टर ने को मैं दिखलाया, जो सर्जन आई हैं सुशीला तिवारी से, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से देखा और आगे उन्होंने बताया भी आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाओगी। पहली बार ही कैंप लगा और अच्छा लगा है, लोगों में बहुत उत्साह है इसको देखकर और लोग आ भी रहे हैं अधिक से अधिक यहाँ दिखलाने के लिए अपना आपको। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा कैंप लगाया गया है। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से आए हैं। यह कैंप आयुष्मान शिविर की तरह से लगाया गया है। इसमें हमारे यहाँ पर चर्म रोग, महिला रोग, हड्डी रोग और दिल के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर आए हुए हैं। इन्होंने करीब अभी तक 500 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और ये कैंप अभी भी बदस्तर जारी है। आगे भी ऐसे कैंप लगाने के लिए हमने सरकार से गुजारिश की है और आगे भी ये इस तरह के कैंप लगते रहे।